वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। मध्य प्रदेश में एक तरफ मामा का बुलडोजर खूब गरज रहा है, वहीं वो अपने अनोखे अंदाज के लिए भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खूब सुर्खियों में रहते हैं। वहीं अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह शादी समारोह में फिसल कर गिरते नजर आ रहे हैं। घटना आपको बता दें, घटना सोमवार की है, जब शादी समारोह में उन्हें चारों ओर से लोगों ने घेर रखा था, जहां बात करते हुए चलते चलते शिवराज सीढ़ियों को नहीं देख पाए और फिसल गए, जिसके बाद वह लड़खड़ाने की कोशिश के बाद भी संभल नहीं पाए, जिसके बाद तुरंत सीएम सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने उन्हें उठा लिया। देखिए ये वीडियो। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्धम सिंह नगर के काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन शिवप्रकाश के भतीजे की शादी के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान जब सीएम चौहान प्रीति भोज कार्यक्रम के लिए निकले, तो अचानक उनका पैर सीढ़ियों पर फिसल गया और वो गिर पड़े। उठने के बाद सीएम मुस्कुराए और आगे चल दिए। वहीं आपको बता दें कि सीएम के सीढ़ियों पर गिरने का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उनके कॉरिडोर से निकलने से लेकर लोगों के सहारा देकर उठाने तक के फुटेज शामिल है। इस घटना के मुख्यमंत्री सुरक्षा के अधिकारियों ने पुष्टि की है और कहा कि सीएम को कोई चोट नहीं आई है। उन्होंने कहा कि वो आज भोपाल में तीर्थ दर्शन ट्रेन के कार्यक्रम में भी पूरे समय मौजूद रहेंगे। वहीं आपको याद दिला दें कि 2.5 महीने पहले भी शिवराज सिंह चौहान फिसल गए थे, तब उनके पैरों में चोट आई थी। वहीं ये हादसा एमपी के सीहोर जिले के प्रवास के दौरान हुआ था। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मध्य प्रदेश की तमाम ताजा खबर जानने के लिए देखते रहें वीके न्यूज।